आज हम स्टार्ट करते हैं विंडोज प्रोग्रामिंग के अंदर कई सारे कंट्रोल्स को लेके हम फॉर्म बनाते हैं। मतलब मैं बात करता हूँ कि भाई मुझे एक एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनानी है, और इस एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ मैं करूँगा क्या कि यहाँ पे मतलब एक टिपिकल इंडस्ट्री के अंदर जो टिपिकल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको बनानी है, कोई फॉर्म्स बनानी है। देखो अल्टीमेटली हम सी शार्प विंडोज प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे, फॉर्म्स बनाएंगे। फॉर्म्स के अंदर आप रिकॉर्ड की एंट्री करोगे, जो आप रिकॉर्ड की एंट्री करोगे वो हमारे टेबल में जाएगा। अल्टीमेटली हमें करना ही है। ठीक, तो जो हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होंगे उसमें कई सारी चीज़ें होंगी। चेकबॉक्स होगा, रेडियो बटन होगा, ड्रॉप डाउन होगा, कॉम्बो बॉक्स होगा। तो हम आज बात करते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम कैसे बनाएंगे और उसको लेकर हम काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ, ये हमारा विजुअल स्टूडियो है, और इस विजुअल स्टूडियो के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे इस विजुअल स्टूडियो के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, और सबसे पहले भाई मुझे क्या चाहिए, एक लॉगिन पेज चाहिए। सबसे पहले एक लॉगिन पेज आना चाहिए। लॉगिन पेज पे मैं यूजर नेम डालूँ, पासवर्ड डालूँ, यदि वो दोनों करेक्ट हो तो फिर वो अंदर जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म, ये हमारा है, मैं इसे एक लॉगिन पेज में कन्वर्ट करता हूँ। तो हम लॉगिन फॉर्म बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले देखो, फॉर्म्स में जब आप डिजाइन करते हो तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आप चेंज कर लें, सबसे पहले जब आपके सामने फॉर्म आता हो, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और इसके प्रॉपर्टीज में आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, और मैं टेक्स्ट का नाम कुछ इस तरीके से देता हूँ। मैं यहाँ पर बोलता हूँ लॉगिन फॉर्म, और आप साथ में ये भी दे दो कि आप किस प्रोजेक्ट के लिए बना रहे हो। मान लो मेरा प्रोजेक्ट है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम EMS, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लॉगिन फॉर्म EMS। तो किसी को भी पता चल रहा है भाई आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया है जो कि EMS प्रोजेक्ट से हमारा लिंक्ड है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट डाल दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अभी क्या है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे फॉर्म को रन करूँ, तो कोई भी आप डिजाइन बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, पहली चीज़ तो ये सेंटर में खुलनी चाहिए। ये जब भी हमारा ओपन होना चाहिए तो ये कहाँ पे ओपन होना चाहिए, ये पहली बात तो हमारा ये सेंटर में ओपन होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई भी इसको मैक्सिमाइज करके बर्बाद कर दे। तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो फॉर्म है इसमें हम इनिशियली ये मतलब मैक्सिमाइज के लिए भी मैं इसे रोक दूँ कि आप इसे मैक्सिमाइज भी ना कर पाएँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार रन करके देख लो। अभी देखो हमारा फॉर्म जो है ये कहीं भी रेंडमली खुल जाएगा, ये देखो यहाँ पे खुल रहा है, कायदे से ये यहाँ पे खुलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, मैं यहाँ पे लेता हूँ स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन मेरा क्या है, विंडोज डिफॉल्ट लोकेशन, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। और मैं एक काम और कर देता हूँ कि ये फॉर्म जो है इसमें मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जो फॉर्म बॉर्डर स्टाइल है, इस बॉर्डर स्टाइल में बाई डिफॉल्ट साइजेबल है, इसका मतलब तुम इस पर क्लिक कर सकते हो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, साइजेबल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिक्स फिक्स डायलॉग। फिक्स डायलॉग में क्या होगा, यहाँ पे फिक्स टूल विंडो, ये देखो अब केवल मुझे ये मिल रहा है। तो इमिडिएटली कोई भी मतलब से मैक्सिमाइज वगैरह नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और पूरे फॉर्म्स के ऊपर मैं यहाँ पे फॉन्ट सेट कर देता हूँ कि मैं जो भी फॉर्म बनाऊंगा वो किस तरीके का हमारा फॉर्म होगा। तो मान लो मैं यहाँ पे फॉन्ट सेट कर देता हूँ फॉन्ट में, और फॉन्ट साइज बहुत बड़ा नहीं रखना है, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे फॉन्ट सेट कर देता हूँ बड़ा। ये मैंने यहाँ पे फॉन्ट सेट कर दिया, और मैंने यहाँ पे रेगुलर रख लिया, और मैं इसका साइज बाई डिफॉल्ट 8 कर देता हूँ, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। और मैं इसका जो फोर कलर है, फोर कलर हमेशा हमारा या तो ब्लैक होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे ब्लू ले लेता हूँ। ठीक, अब ये जो हमारा फॉर्म है इसका बैकग्राउंड कलर जो है, बैक कलर हमेशा मैं वाइट प्रेफर करता हूँ, आप हमेशा वाइट रखो, दैट विल बी बेटर। इतना काम आप यहाँ पे कर लें, और ये काम हमारा इतना हो गया, और ये फॉर्म हमारा यहाँ पे सामने। अब यदि मैं इसको रन करूंगा तो ये फॉर्म, सबसे अच्छी बात यह है कि सेंटर ऑफ द स्क्रीन खुल के आएगी, ये देखो बिल्कुल बीच में खुल के आएगा, ये बीच में खुल के आएगा। अब देखो आप जब भी कभी काम करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, कोई ना कोई हेडर होना चाहिए, हमारे यहाँ पे फुटर होना चाहिए, एक नॉर्मल कटसी है। जब भी हम कोई फॉर्म्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं तो मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ, और इस लेबल की प्रॉपर्टीज में मैं आता हूँ, और इस प्रॉपर्टीज में मैं आने के बाद इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और स्मॉल कैपिटल का हमें ध्यान रखना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और ये चूंकि हेडिंग है तो बेहतर ये होगा कि आप इसका साइज थोड़ा सा चेंज कर लें, ज़्यादा बेहतर है।
तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं फॉन्ट में इसका साइज़ बोल्ड कर देता हूँ एक तो, और इसका साइज़ मैं 12 कर देता हूँ, थोड़ा सा दिखना चाहिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और बेहतर कि मैं इसको यहाँ पे अंडरलाइन भी कर लूँ। मैं चाहता हूँ कि भाई हेडिंग आ रही है तो वो अंडरलाइन होना चाहिए, तो ये आपने यहाँ पे डाल दिया। और मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, और नीचे आने के बाद मैं इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे कॉपीराइट। ये चीज़ें जो होती हैं फॉर्म्स के किसी भी अंदर, मान लो मैं यहाँ पर कॉपीराइट बोलता हूँ संतोष एट द रेट ऑफ कॉम, संतोष संतोष टू, मैंने यहाँ पे ये डाला। और ये जो कॉपीराइट होता है ना, ये केवल दिखाने के लिए होता है, इसको बहुत ज़्यादा शो नहीं करना है। तो एक तो कलर इसका चेंज करो, कलर कुछ ऐसा रखो जो इस पर मैच कर जाए। ये देखो कुछ ज़्यादा ही मैच कर गया, ये थोड़ा सा कम करो। ये देखो जब भी कॉपीराइट होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए। और मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट में आता हूँ, इसका एक तो रेगुलर कर देता हूँ और इसका साइज़ भी रिड्यूस कर देता हूँ, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉपीराइट का भी यहाँ पे ये डाल दिया। ठीक, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लॉगिन पेज बनानी है। और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कंपनी का लोगो वगैरह है तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। चलो पुट करते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई इमेज। अब इमेज लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पिक्चर बॉक्स। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा पिक्चर बॉक्स, ये रहा हमारा पिक्चर बॉक्स, यहाँ पे पिक्चर बॉक्स ले लो। अब पिक्चर बॉक्स के प्रॉपर्टीज में आ जाओ, यहाँ पे ले लो इमेज। मान लो मेरे कंपनी का ये इमेज है या लोगो है जो हम दिखाना चाहते हैं, तो मान लो मेरा ये लोगो है, हमारी कंपनी बैट बनाती है। अब ज़रा गौर से देखो, ये आ तो रहा है लेकिन ये इमेज यहाँ पे कट रहा है, पूरा इमेज नहीं आ रहा है। और पिक्चर बॉक्स के अंदर हमने इमेज ले लिया। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइज मोड, और साइज मोड में मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो स्ट्रेच, ऑटो इमेज। ऑटो इमेज में तो उसके इमेज के हिसाब से ले लेगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्ट्रेच इमेज, तो जो आपकी इमेज है वो इस तरीके से यहाँ पे आ गई। आपको यहाँ पे क्या करना है, पिक्चर बॉक्स के प्रॉपर्टीज में जाना है और यहाँ पे करना है स्ट्रेच इमेज, तो इमेज जो है इसके हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो गया। आप यहाँ पे रखना चाहें, जो भी रखना चाहें आप यहाँ पे रख लें। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक लॉगिन पेज बनाना है। तो लॉगिन पेज बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रुप बॉक्स लेता हूँ। कभी भी आप मल्टीपल कंट्रोल्स को ग्रुप बॉक्स के ऊपर रखें। मैं यहाँ पे ग्रुप बॉक्स लेता हूँ, इसके प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और ये जो ग्रुप बॉक्स है मैं सबसे पहले इसको चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देता हूँ लॉगिन इंफॉर्मेशन। ठीक, यहाँ पे आ गया लॉगिन इंफॉर्मेशन। और ये जो ग्रुप बॉक्स मैंने लिया है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसका कलर स्लाइटली डिफरेंट रखना चाहिए जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, जो हमारा बैक कलर है। मैं इसका ये ले लेता हूँ कलर, ये देखो मतलब हल्का सा डिफरेंट होना चाहिए। ये देखो दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है, और दोनों इरिटेटिंग भी नहीं है, मतलब इसको मैं लाल पीला हरा गुलाबी नहीं करूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे फॉर्म बनाया है इसके अंदर मैं यहाँ पे लेबल ले लेता हूँ, एक और लेबल ले लेता हूँ, और मैं यहाँ पे बटन ले लेता हूँ, और एक और बटन ले लेता हूँ, और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ। ये रहा जी हमारा टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये रहा जी टेक्स्ट बॉक्स, और मैं यहाँ पे एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेता हूँ। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, सबसे पहले लेबल में नाम चेंज कर दो, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेबल के अंदर मैं इसका नाम देता हूँ यूज़र। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया यूजर नेम, ये आ गया, मैं यहाँ पे पासवर्ड ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ पासवर्ड। अभी हमारा यहाँ पे पासवर्ड आ गया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लो तरीके से। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप स्पेसिंग अलाइनमेंट इन सब का ध्यान रखें। चाहे तो अलाइनमेंट आप इधर से कर लो, चाहे ये कॉलम के थ्रू से कर लो, जो भी है मैं ये रख लेता हूँ। और ये जो हमारा बटन है, इस बटन पे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सबमिट। और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ रिसेप्ट। अब ये जो हमारा सबमिट है, सबमिट के ऊपर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ एम परसेंट एस। अभी हमारे यहाँ पर आ रहा है, ये देखो अंडरलाइन कर दिया ना मैंने, इसे हॉटकी बना दिया। रिसेप्ट में भी आता हूँ और मैं यहाँ पे भी लगा देता हूँ M% रिसेप्ट, तो मैंने इसे हॉटकी बना दिया, मतलब ये हमारा अल्ट एस करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, अल्ट आर करेंगे तो ये हमारा रीसेट हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड में मैं जो कुछ भी लिखूँ वो पासवर्ड फॉर्मेट में आना चाहिए। अभी क्या है, अभी मैं जो कुछ भी लिखूँगा, ये देखो मैं अभी यहाँ पे जो कुछ भी लिखूँगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। अभी मैं पासवर्ड डालूंगा तो ये ऐसा आएगा, ये तो गलत है ना,
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड के प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी होता है पासवर्ड कैर। पासवर्ड कैर में मैं यहाँ पे देता हूँ हैश, मैं यहाँ पे देता हूँ हैश। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी मैं लिखूँगा वो हैश फॉर्मेट में आएगा। अच्छा, एक चीज़ हो कि कोई भी टेक्स्ट बॉक्स हो तो कम से कम एक लेंथ का लिमिटेशन हो। अब ये थोड़ी कि यूजर पागलों की तरह एंट्री किया जा रहा है। अब मैं यहाँ पर मैक्सिमम लेंथ कम से कम 10 कर देता हूँ। भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 कैरेक्टर ले लोगे, मैक्स लेंथ यहाँ पे भी मैं 10 कर देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कैरेक्टर ले लो, ठीक। और मैं यहाँ पे करता हूँ कि जब मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँ, चलो मैं अभी काम और कर लेता हूँ, साथ में मैं यहाँ पे दूसरा फॉर्म और ऐड कर लेता हूँ। ऐड, मैं एक विंडोज़ फॉर्म ले लेता हूँ, फॉर्म 2 बना लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मान लो मेरा ये फॉर्म 1 है, अब मैं चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ और ये दोनों वैल्यू यदि मैच कर जाता है तो वो फॉर्म 2 पे मैच आ जाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ, मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, स्ट्रिंग डॉट कंपेयर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट टू अपर, मतलब चाहे तुम अपर में दो या लोअर में दो, सबके लिए काम करना चाहिए। टू अपर इज इक्वल टू कॉमा, मैं कंपेयर करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 को, और मैं यहाँ पे किससे कंपेयर करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 2 से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी मैंने यहाँ पे लिखा इफ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर ऑफ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट टू अपर कॉमा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट डॉट टू अपर, अभी ये दोनों बराबर हैं, इज इक्वल इक्वल टू 0, अभी 0 है, 0 का मतलब दोनों बराबर है, तो क्या करना चाहिए, दूसरा वाला फॉर्म आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ बोलता हूँ फॉर्म 2 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 2, उसका ऑब्जेक्ट बना लो, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर्म 2 डॉट सो, फॉर्म 2 डॉट, मैं बोलता हूँ फॉर्म 2 एफ आर एम इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ बोलता हूँ एफ आर एम डॉट सो, मैं रन कर देता हूँ। अदरवाइज मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ एल्स मैसेज बॉक्स डॉट सो चेक कीजिए, मैं सिंपली यही मैसेज दे देता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब मान लो मैं यूजर नेम में देता हूँ ए और पासवर्ड में देता हूँ ए, बटन पे क्लिक करता हूँ ये खुल गया। लेकिन यदि मान लो मैं यूजर नेम में देता हूँ कुछ और, पासवर्ड में देता हूँ कुछ और, बटन पे क्लिक करता हूँ, मैसेज आ गया चेक यूजर। अब जब ये मैसेज आ रहा है चेक यूजर नेम, तो ये टेक्स्ट बॉक्स दोनों खाली भी तो हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, एक साथ ही कर देता हूँ मैं नल। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, यदि मान लो मैंने गलत यूजर नेम पासवर्ड दे दिया जो कि मैच नहीं कर रहा है, ये देखो खाली हो गया ना। अब मैं चाहूँगा खाली हो जाने के बाद कर्सर फिर यहीं पे वापस आ जाए ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, तो आपने केवल उसे खाली ही नहीं करवाया, मैंने यहाँ पे मान लो मैंने यहाँ पे यूजर नेम दिया ए, मैंने पासवर्ड दिया ए, मैं बटन पे मैं कुछ और देता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबमिट चेक यूजर नेम, और ये दोनों खाली भी हो गया, और कर्सर फिर हमारा वापस यहाँ पर आ गया। अभी क्या है कि यदि मैं यहाँ पे यूजर नेम लेके देता हूँ, यदि मान लो मैंने यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे भी दे दिया मैंने ए, और ये खुल गया। लेकिन ये इस तरीके से नहीं खुलना चाहिए, थोड़ा सा कुछ मतलब लगना चाहिए ना, कोई फॉर्म खोल रहे हो तुम। तो आप एक काम करो, यहाँ पे आप यहाँ पे व्यू में आ जाओ, टूल बॉक्स में आप यहाँ पे ले लो प्रोग्रेस बार, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्रोग्रेस बार।
मैं यहाँ पर प्रोग्रेस बार ले लेता हूँ, और ये जो प्रोग्रेस बार है, प्रोग्रेस बार को चलाने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ टाइमर। ये हमारा टाइमर कंट्रोल है। टाइमर के प्रॉपर्टीज में आ जाओ और मैं इसका इंटरवल कर देता हूँ 500, या चलो 200 कर देते हैं। और इसका बस मैंने यहाँ पे इंटरवल 200 कर दिया। और टाइमर के प्रॉपर्टीज में मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। मैं यहाँ पे क्या कोड लिखता हूँ, प्रोग्रेस बार वन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू प्रोग्रेस बार वन डॉट वैल्यू, और मैं यहाँ पे प्लस 5 लगा देता हूँ। 5-5 करके वो बढ़ता जाएगा। और कब तक बढ़ेगा, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ प्रोग्रेस बार वन डॉट वैल्यू इज इक्वल इक्वल टू प्रोग्रेस बार वन डॉट मैक्सिमम। उसकी वैल्यू यदि मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, देन आप क्या करोगे, मैं टाइमर को बंद करूंगा सबसे पहले, तो टाइमर वन डॉट इनेबल इज इक्वल टू फॉल्स। लेकिन मैंने याद रखना, अभी इनेबल ट्रू नहीं करा है, बाई डिफॉल्ट वो फॉल्स है, तो मैंने इनेबल को फॉल्स कर दिया। और साथ में ये जो तुम फॉर्म को ओपन कर रहे थे ना, ये वाला कोड यहाँ पे डाल, ये वाला कोड यहाँ पे डाल, यानी कि उस फॉर्म को कॉल कर लेगा। और एक काम करो, खुद को हाइड भी कर लो, क्योंकि आप दिख रहे होंगे बैकग्राउंड में, ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मैं यहाँ बोल देता हूँ दिस डॉट हाइड, ये फॉर्म हमारा जिंदा रहेगा, मैं इसको मार नहीं सकता क्योंकि ये फॉर्म फिट कर रहा है चाइल्ड फॉर्म को, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो तुम शो करवा रहे थे, शो ना करवा के मैं यहाँ पे टाइमर को इनेबल कर देता हूँ। टाइमर वन डॉट इनेबल इज इक्वल टू ट्रू, मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ, ये देखो मैं यहाँ पे देता हूँ ए, मैं यहाँ पे देता हूँ ए, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, ये देखो ये हमारा प्रोग्रेस बार चलना चालू हुआ। और फिर हमें यहाँ पे ये दूसरा फॉर्म मिल गया वापस, और वो पुराना वाला फॉर्म यहाँ पे आ भी नहीं रहा है। बात समझ में आई बात? अब यहाँ पे समस्या ये है कि जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये प्रोग्रेस बार यहाँ पे दिख रहा है, अभी दिखने का भी तो कोई मतलब नहीं है ना, अभी क्यों दिखेगा ये। तो मैं एक काम करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमारा प्रोग्रेस बार है, इस प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को मैं फॉल्स कर देता हूँ। विजिबल मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, मतलब ये दिखेगा नहीं, रहेगा लेकिन दिखेगा नहीं। तो दिखेगा कब, जब ये मैच कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रोग्रेस बार वन डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, अब मैं इसे यहाँ पे देखो, अब दिख नहीं रहा है प्रोग्रेस बार, लेकिन मैंने यहाँ पे ए दिया, ये भी ए दिया, बटन पे क्लिक किया, प्रोग्रेस बार आया और वो हमारा दूसरे फॉर्म्स को लाके यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे टाइमर यूज़ किया है, टाइमर के अंदर हमने प्रोग्रेस बार की कोड लिखी है, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि भाई प्रोग्रेस बार को आप कैसे, यहाँ पे टाइमर को हमने, यहाँ पे हमने फॉर्म्स को शो किया है, और यहाँ पे हम यहाँ पे मैसेज भी दे रहे हैं कि हमारा काम क्या है। अब देखो यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमारा फॉर्म आ रहा है, तो अब ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई लोगों की कमी नहीं है, वो आएंगे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यदि कोई सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो कम से कम उसको तो एक काम तो बोल दो कि भाई आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली है। तो मैं यहाँ पे एक काम और कर देता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ टेक्स्ट बॉक्स वन, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, और मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे लगाता हूँ इफ स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट। मतलब यदि आपने उसमें कुछ भी नहीं दिया है, खाली है वो, ठीक, तो खाली है तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मैसेज दे दो, यहाँ पे मैसेज दे दो, चाहे मैं एक एरर प्रोवाइडर यूज़ कर लेता हूँ, अदरवाइज एल्स, एल्स में आप यहाँ पे क्या करोगे, मैं यहाँ पे ये वाला जो कोड है इसको एल्स में डाल देता हूँ। मतलब ये कोड तभी काम करेगा जब, ये देखो खुद ब खुद अरेंज हो गया। और मैं यहाँ पे एक एरर प्रोवाइडर ले लेता हूँ कि थोड़ा सा लुक हमारा बेहतर आ जाए, अदरवाइज मैं मैसेज भी डाल सकता था। तो मैं यहाँ पे एरर प्रोवाइडर ले लेता हूँ, और इस एरर प्रोवाइडर के प्रॉपर्टीज में आते हैं, और ये हमारा एरर प्रोवाइडर है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फेस्टिंग डॉट इज नल और एम्प्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एरर प्रोवाइडर वन डॉट सेट एरर, एरर सेट कर,
किस कंट्रोल के ऊपर, किसके बगल में करना है, टेक्स्ट बॉक्स वन के बगल में करना है, कॉमा, मैसेज भी दे दो कुछ, ब्लैंक नॉट अलाउड, ब्लैंक नॉट अलाउड डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे ये दे दिया, अब यदि मैं इसको रन करूँ, अब यदि सज्जन लोग हमारे कुछ ऐसे करते हैं कि भाई आएंगे वो सीधे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, वो आए अपना कुछ बिना कुछ किए हुए अपना सबमिट बटन पे क्लिक किया, तो इमीडिएट यहाँ पे ये मिल गया कि भाई चलो गलती है कुछ, चलो अब मैं एक काम करता हूँ इसमें लिखना शुरू करता हूँ। अब क्या है, मैं लिख भी रहा हूँ तब भी आ रहा है, तो ये तो गैप हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करो, इसके प्रॉपर्टीज में आ जाओ, ये होती है प्रॉपर्टीज और ये होता है इवेंट। तो मैं यहाँ पे इसके इवेंट पे कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पे की प्रेस पे कोड लिखता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे की को प्रेस करूँ तो वो गैप हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ एरर प्रोवाइडर वन डॉट, यहाँ पे मेथड होता है डिस्पोज, मैं उसके डिस्पोज को कॉल कर लेता हूँ। अब यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, ये देखो, अब यदि मैं यहाँ पे कुछ डाल दूँ चला गया वो। तो मेरे कहने का मतलब इस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम क्या है कि मैंने रीसेट बटन पे कोई कोड तो लिखा नहीं है, तो मैं क्या चाहता हूँ भाई रीसेट पे दोनों टेक्स्ट बॉक्स खाली हो जाए, यही तो होता है। तो मैं यहाँ पे रीसेट पे कोड लिख देता हूँ और रीसेट पे मैं यहाँ पे क्या बोल देता हूँ कि जो दोनों हमारे टेक्स्ट बॉक्स हैं वो दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लीन हो जाए, ठीक। और मैं ये भी चाहूँगा कि कर्सर जो है बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स वन में आ जाए, तो मैं यहाँ पे रीसेट के ऊपर कोड लिख देता हूँ। मैंने दोनों टेक्स्ट बॉक्स को खाली कर दिया, ये देखो। अब जैसे ही तुम यहाँ पे एंट्री करोगे और यहाँ पे रीसेट करके तुम कुछ वैल्यू यहाँ पे डालोगे, अब देखो मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया लेकिन मेरा मन कर रहा है या बेकार कर दिया, एक काम करो रीसेट कर, तो इस तरीके से तुम यहाँ पे रीसेट कर पाओ। समझ में आई बात। अब मुझे क्या करना है, इसे फॉर्म को बंद करके बाहर निकलनी है, तो बंद करना था यहाँ पे क्लिक कर दो। लेकिन यार बंद करने से पहले एक बार कम से कम सामने वाले से पूछोगे तो कि बंद करना है या नहीं, तो राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में आ जाओ, फॉर्म की एक इवेंट होती है फॉर्म क्लोजिंग, फॉर्म के क्लोजिंग पे यहाँ पे कोड लिखो। मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई आपको फॉर्म क्लोज करना है या नहीं करना है, अगर यस करे तो क्लोज कर दे वरना ना करे। तो मैं यहाँ बोलता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, और मैं वहाँ पर बोलता हूँ आर यू श्योर भाई आपको करना है, वॉन्ट टू एग्जिट, वॉन्ट टू एग्जिट कॉमा। मैं यहाँ पे बोल देता हूँ मैसेज बॉक्स, ये हमारा टाइटल है, ये हमारा टाइटल है, तो टाइटल में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ एग्जिट विंडो, और ये हमारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, तो प्रॉम्प्ट में आ जाएगा आर यू श्योर, और मैं यहाँ पे यस नो बटन तो ले लूँ, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ मैसेज बॉक्स बटन डॉट, मैं यहाँ पे बोलता हूँ यस नो कॉमा, आइकॉन भी ले लो अच्छा लगता है देखने में, तो मैं यहाँ बोलता हूँ मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट, कोई भी आइकॉन यहाँ पे लगा दो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं डाल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जो भी आप एंट्री करोगे उसको कहीं ना कहीं डालना होगा ना, तो मैं यहाँ बोलता हूँ डायलॉग रिजल्ट डी आर एस इज इक्वल टू, अब मैंने बोला डायलॉग रिजल्ट डी आर एस इज इक्वल टू, तो जो भी आप यस नो करोगे वो इसमें आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ इफ डी आर एस डॉट टू स्ट्रिंग इज इक्वल इक्वल टू यस, ये जो तुमने स्ट्रिंग दिया है यदि मैंने इसमें यस कर दिया यहाँ पे, यदि मैं यहाँ पे यस कर दूँ इसको, तो भाई आप क्या करोगे, यदि आपने यस कर दिया तो बाहर निकल जाना चाहिए, तो यस पे तो बाई डिफॉल्ट वो बाहर निकलेगा ही, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ नो, यदि आपने नो कर दिया तब क्या होना चाहिए, तो जो बाहर निकलने का प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ ई डॉट कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू, मतलब भाई कैंसिल कर दो मत जान दो। ई हमारा क्या है, फॉर्म क्लोजिंग इवेंट आर्क्स का ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया ई डॉट कैंसिल इज इक्वल टू ट्रू। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पर, अब गलती से भी मान लो किसी ने उस क्रॉस बटन पे क्लिक किया तो कम से कम उसे एक मैसेज तो दिखेगा, ये देखो एग्जिट विंडो आर यू श्योर वांट टू एग्जिट, ये रहा हमारा एग्जिट विंडो नो यस, जैसे मैंने यस किया तो अपना बाहर निकल गया। ये हमारा प्रॉम्प्ट होता है ना, और ये हमारा टाइटल हमने उल्टा लगा दिया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं फिर हम यहाँ पे टाइटल दे देते हैं, है ना, रन करो।
तो जब कभी भी आप फॉर्म बनाएं तो किसी भी फॉर्म के अंदर इतना काम तो होना ही चाहिए, एक रीसेट बटन हो, रीसेट पे कैंसिल हो, कम से कम क्लोजिंग के ऊपर हम यहाँ पे काम करें। ये देखो कम से कम अब मैं क्लोज कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अरे मैं यहाँ पे कुछ डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे रीसेट कर दिया, ये देखो मुझे पता चल रहा है हमारा ये फॉर्म किसका है। तो कभी भी आप फॉर्म डिजाइन करते हो तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें वहाँ पर बनानी पड़ेंगी। अब अभी मान लो मैंने सबमिट किया, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो होना ही चाहिए। अब अभी मान लो मैंने यहाँ पे दिया ए, मैंने यहाँ पे दिया ए, मैंने बटन पे क्लिक किया, अब देखो ये प्रॉपर हमारा यहाँ पे प्रोग्रेस बार चल रहा है और उसके बाद हमारा ये दूसरा फॉर्म निकल के सामने आ रहा है। तो इस तरीके से हम पहला फॉर्म बनाते हैं। किसी भी एप्लीकेशंस का जो फर्स्ट फॉर्म होता है लगभग कुछ हमारा ऐसा ही होता है। हाँ, अंतर क्या आ जाती है, अभी मैं यहाँ पे चूंकि मैंने आपको बताया नहीं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करोगे, ये जो वैलिडेशन मैं करवा रहा हूँ ये कहाँ से करवा रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल सा वैलिडेशन लगा दिया है। मैं कर रहा हूँ कि भाई दोनों टेक्स्ट बॉक्स यदि बराबर है तो आप अपना काम कर जाओ, लेकिन बाद में ये जो वैलिडेशंस हैं इस वैलिडेशंस को हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ करके करेंगे, बाद में इस वैलिडेशंस को हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ करके करेंगे। तो फिर मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि ये काम को कैसे करना है। तो ये हो गया हमारा लॉगिन पेज। अब लॉगिन पेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है। तो ये एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमारी नेक्स्ट सेशन होगी उसमें हम लोग बात करेंगे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएंगे। लॉगिन पेज बनाने का तरीका ये है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि इतना तो हमें करना ही चाहिए। भाई हमारा फॉर्म कम से कम बेहतर दिखना चाहिए, बीच में खुलना चाहिए, कम से कम सबमिट हो, रीसेट बटन हो, जब भी बटन हो तो दो बटन हो, सबमिट, रीसेट, ओके या कैंसिल। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। और इस तरीके से हम यहाँ पे कोड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ अभी ये इसका वीडियो मैं डालूंगा, और जब मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा तो ये जो कोड है मैं सारे कोड वहाँ पे डाल दूंगा, तो वहाँ से कॉपी कर लेना इन कोड को, ठीक है। और ये फॉर्म्स आपके पास ऑलरेडी होंगे तो आप वीडियो देख के फॉर्म्स वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हो और ये सारा काम कर सकते हो, ठीक है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ होगी इससे रिलेटेड, इसी की कंटिन्यूटी होगी, इसी फॉर्म को मैं नेक्स्ट सेशन में ओपन करूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप कैसे बात समझ में आई।